क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट कंप्यूटर, लेसन टू सॉफ्टवेयर। देखिए आप यहां से देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर गवर्न्स ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भागों को नियंत्रित करता है। इट ऑल्सो वर्क लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यह यूजर और कंप्यूटर की मध्य संबंध की तरह, एक संबंध बताने वाली चीज की तरह काम करता है। टू हेल्प देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ संवाद करने में ये क्या मदद करता है, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण क्या है? डॉस, DOS, डॉस, विंडोज XP, विंडोज 7, यूनिक्स, लाइनक्स, ETC। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे डॉस, विंडोज XP, विंडोज 7, यूनिक्स, लाइनक्स, ETC। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर केवल जीरो और वन, जिनको बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है, उनकी भाषा को समझता है। सो इट अंडरस्टैंड्स अवर इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसीलिए यह हमारी जो निर्देश होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से समझता है। अब देखिए दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं विच हेल्प टू सॉल्व ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूजर्स प्रॉब्लम, जो यूजर की विशेष समस्या को हल करने में सहायता करते हैं। बट दी सॉफ्टवेयर कैन वर्क, यानी लेकिन ये सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं ओनली इफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, केवल तब जब उस कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ हो। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे तुम कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तभी तो तुम विंडो पेंट वगैरह जो कुछ भी चलाते हो उसमें MS वर्ड या एक्सेल वगैरह, तो किस पे चलते हैं? वो इसी पे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स फॉर यूजर्स लाइफ, यानी विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर की इच्छा से विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पर तुम टाइपिंग का काम करते हो। इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसका प्रयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, यानी उसमें परिवर्तन करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इट इज ए स्प्रेडशीट पैकेज, यानी यह स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, जैसे जो खाने वाले होते हैं उस टेबल वगैरह बनाती है, उस टेबल के लिए प्रोग्राम है ये। विच कैन बी यूज टू क्रिएट मार्कशीट, जिसका प्रयोग मार्कशीट बनाने में, सैलरी स्टेटमेंट, सैलरी का चार्ट बनाने में और बजट बनाने में किया जाता है। अब तीसरा आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दिस एप्लीकेशन कैन बी यूज टू क्रिएट एनिमेटेड प्रेजेंटेशन ऑन द कंप्यूटर। इसका प्रयोग कंप्यूटर पर एक जीवित मतलब सजीव तरह की प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। एक तरह से सजीव पर कार्टून टाइप की प्रेजेंटेशन देते हैं कि नहीं, उस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आउटलुक एक्सप्रेस, यू कैन सेंड और रिसीव ईमेल्स ऑन द इंटरनेट यूजिंग आउटलुक एक्सप्रेस। तुम आउटलुक एक्सप्रेस का प्रयोग करके इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट पर ईमेल्स को भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर फिर लगाएंगे। धन्यवाद।